अमेरिका में गन कल्चर बना मुसीबत। बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग, 6 नाबालिगों की मौत, 20 लोग हुए घायल। तो एक बार अनाधुंध फायरिंग से सुपर पावर अमेरिका दहल उठा है। दरअसल अमेरिका के अलबामा राज्य के डेड विले में बर्थडे पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया। एक घटना में लगभग 6 नाबालिगों की दुखद मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। बता दें कि एक टीनेजर के बर्थडे पार्टी के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बर्थडे पार्टी का माहौल जश्न ताबड़तोड़ फायरिंग से मातम में तब्दील हो गया और मौत का अखाड़ा बन गया। अमेरिका के डेड विले में बर्थडे पार्टी के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब ताबड़तोड़ गोलियों की तड़बड़ाहट से बर्थडे पार्टी में गाने की धुन गोलियों की आवाज में तब्दील हो गई। इस पार्टी में कम से कम 20 लोगों को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि एक लड़की के जन्मदिन को मनाने के लिए लोग जमा हुए थे। चश्मदीद ने बताया कि मृतकों की संख्या इससे भी ज्यादा थी। घटनास्थल पर कई शवों को सफेद चादरों से ढक दिया गया था। BNO न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टैलापूसा काउंटी में एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि वारदात में कई लोग मारे गए हैं। ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें एक तस्वीर में देखा जा रहा है कि घटना के बाद कई परिवार एक स्थानीय अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। अब तो को खोने के बाद लोग गमगीन हैं, हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि इस घटना में जिसमें फायरिंग की है, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो भी नाबालिग ही बताया जा रहा है और आरोपी के गिरफ्तार होने या मारे जाने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। इस घटना में एक पुलिस अफसर भी घायल हुआ है। बता दें कि डेड विले की आबादी करीब 3,200 है। तो वहीं इस मसले पर अलबामा के गवर्नर काय ईवी ने भी दुख जताया और कहा कि हमें बहुत अफसोसनाक खबर मिली है, कुछ लोगों की मास शूटिंग में मौत हुई है। इस राज्य में ऐसे जुर्म बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, हम हालात पर नजर रख रहे हैं। मारे गए नाबालिगों में से एक टैलेंटेड एथलीट भी था। बता दें कि एक दिन पहले ही केंटकी राज्य में भी मास फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका में सिर्फ एक साल जनवरी से अब तक फायरिंग की कुल 149 घटनाएं हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अमेरिकी सरकार और प्रशासन के लिए बता दें कि अमेरिका 231 साल बाद भी अपने गन कल्चर को नहीं खत्म कर पाया है। 1791 में संविधान के दूसरे संशोधन के तहत अमेरिका नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया। अमेरिका में इस कल्चर की शुरुआत तब हुई थी जब वहां अंग्रेजों का शासन था। आइए जानते हैं अमेरिका में गन लॉ क्या है। क्या है अमेरिका में गन लॉ? अमेरिका में गन कंट्रोल एक्ट के मुताबिक राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। अन्य हथियारों जैसे हैंडगन खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। हथियार बेचने वालों की भी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। भगोड़े, मानसिक रूप से बीमार और जेल से बाहर आए लोग गन नहीं खरीद सकते। बता दें कि दुनिया में गन से होने वाली हत्याओं में सबसे आगे अमेरिका है। लगातार इस प्रकार की घटना, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए और बाइडेन सरकार के लिए चिंता की बात है। आखिर में सवाल यही है कि बार बार अमेरिका में इस प्रकार की घटना के पीछे का जिम्मेदार कौन है? अमेरिका सरकार या फिर वहाँ की प्रशासन? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।